पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मुझे तो लगता है काका साहब, एक दिन आएगा जब महिलाएं युद्ध कर कर लौटेंगी, राजगद्दी संभालेंगी, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, महिलाओं का श्रृंगार होगा और पुरुष घर में बच्चे संभाल रहे होंगे और खाना बना रहे होंगे। सच में काका साहब, मान गई मैं अहिल्या की सोच को, कमाल। वैसे सच बताइए काका साहब, आपने भी तो अहिल्या को रानी मान लिया है ना? वैसे मुझे तो यही लगता है और यही तो है मालवा का भविष्य और आपका भी, है ना? भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता रखमा बाई साहब, इसलिए भविष्य के बारे में बात ना करें तो बेहतर है। रही बात मेरी निष्ठा की, तो मेरी निष्ठा मालवा के राज सिंहासन के प्रति है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। फिलहाल आप इसे रख दीजिए, ये तलवार है रखमा बाई साहब, सब्जी काटने का चाकू नहीं है। इसे युद्धा युद्ध में ले जाते हैं, युद्ध में इसका इस्तेमाल होता है, योद्धाओं की प्रिय है ये। आप में उतनी शक्ति नहीं कि इसकी संगत में आप लगातार रह सके। प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए विजय भव। क्षमा चाहूंगा छोटी रानी साहब, इतनी सेना लेकर आप सेंधवा जैसे छोटे प्रांत पर आक्रमण करेंगी, क्या यह समझदारी की बात है? क्या आप जानती नहीं छोटी रानी साहब, दोनों तरफ जानमाल का नुकसान होगा, खून बहेगा। क्या आप जानते हैं गंगोबा काका, आपको खबर है उस शमशेर सिंह ने हमें क्या संदेश भेजा है? जी मैं जानता हूं, हमारे राज्य के निवासी की उंगलियां काटकर, वो खून से लथपथ उंगलियां उसने हमें संदेश के रूप में भेजी है। लेकिन छोटी रानी साहब, उसने हमारे किसी वफादार का खून बहाया, आप भी तो वही कर रही हैं। अब आप हमारे इन वफादारों का खून बहा रही हैं। ये कहां का न्याय है छोटी रानी साहब? जहां तक मैं जानता हूं, खून का बदला खून, ये आपकी सोच नहीं है। क्या आपकी सोच बदल रही है? नहीं गंगोबा काका, मेरी सोच बदल नहीं रही, लेकिन अगर आज हमने शमशेर और राणो जी को रोका नहीं तो ये खून इसी तरह बहता रहेगा और तबाही और बड़ी होगी। नकेल कसने जा रहे हैं शमशेर की, ताकि इसके बाद वो ऐसी हरकत करने के बारे में कभी ना सोचे। कि मेरा वादा है खुद से और आपसे भी ये वादा करती हूँ गंगोबा काका, अपने उसूलों का
और मालवा के उसूलों का सम्मान रखते हुए मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि जानमाल की कोई हानि ना हो। खून नहीं बहाना है गंगोबा काका, क्योंकि अपनों के खून के बहने के दर्द से मैं भली भांति परिचित हूं। गंगोबा काका, आपने आज तक हर बार मेरी सोच का समर्थन किया है और मैं चाहती हूं कि आज भी आप मेरी सोच का समर्थन कीजिए और सच्चे दिल से मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। क्या मजा आ रहा है, अगर ऐसे रोज घूमने मिले तो कितना अच्छा रहेगा। बस वन में पहुंच जाए, फिर सारे दिन गिल्ली डंडा खेलेंगे। ए मालेराओ, वो देखो अमरूद, बड़े रसीले लग रहे हैं यार। मालेराओ, क्या हमें अमरूद खाने मिल सकते हैं? इतनी सी बात, तुम मालवा के राजकुमार के साथ हो, उधारिए हमें। ए अमरूद वाले छोटे सरकार, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम नहीं चाहिए, अमरूद चाहिए, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए। लीजिए ना सब, और लीजिए। लो लो, और तुम भी लो। लो सब लो। ये मेरे लिए। छोटे सरकार, इसका मूल्य? मैं राजकुमार हूं और यहां की हर चीज पर मेरा अधिकार है, और अधिकार की चीजों पर मूल्य क्यों चुकाना? सही बात है सरकार। सरकार, छोटे सरकार, ये मेरी रोजी रोटी है। इतने फलों को बेचकर उनकी कमाई से मेरा एक हफ्ते का खर्चा चलता है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रहम कीजिए, इसका मूल्य दे दीजिए। अरे बेवकूफ हो गया, अपनी चीजों का कौन मूल्य देता है? ऐसा मत कीजिए सरकार, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, इसका मूल्य दे दीजिए छोटे सरकार, इसका बोले दे दीजिए छोटे सरकार। सरकार, इनका महसूल पूरा हो गया। कितना है ये देखिए सरकार, इसके पास 10 मोहरे कम है। क्या कहा? दस मोहरे कम, उसके बदले तुझे मिलेंगे 10 कौड़े। मोहरे लेकर आ। कितना है?
इस बार खुशखबरी है, अब से ये सारा धन अपना धन है और इनमें से कोई भी हिस्सा होलकरों को नहीं देना है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।